हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम मिनी ऑमलेट बनाने वाले हैं। इस ऑमलेट को आप नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बेहद सिंपल रेसिपी है ये, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हम आज वेजिटेबल ऑमलेट बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि आधा गाजर, एक छोटा आलू, एक छोटा प्याज, थोड़ा पत्ता गोभी और एक हरी मिर्च। अब हमें सब्जियों को कद्दूकस करना है, तो एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इस मिक्सिंग बाउल में हम बारी बारी से सारी सब्जियों को कद्दूकस कर लेते हैं। हमें सब्जियों को मोटा और लंबा कसना है, इसलिए इस मोटे छेद वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। गाजर को इस तरह रखकर कसेंगे जिससे गाजर लंबा कसा जाएगा। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को साफ करके अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, इस तरह लंबा ग्रेट करना है। अब आलू को भी हम इसी तरह लंबा कस लेते हैं। आलू को भी मैंने लंबा कस लिया है। अब बारी है पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी को भी इस तरह रखकर लंबा कसेंगे। गाजर, आलू और गोभी को कस लिया। अब बारी है प्याज और हरी मिर्च की। ये दोनों कसे नहीं जाएंगे, इसलिए इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो प्याज को हम कट करके लंबी और पतली स्ट्रिप्स बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब प्याज को मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं और उसके साथ हरी मिर्च को भी कट करके ले लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और उसके साथ लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। बस इतने इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम बना रहे हैं ऑमलेट, तो 2 अंडे ले लेते हैं और बारी बारी से इसमें फोड़ कर डाल लेते हैं। अब अंडों के साथ वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑमलेट के टेस्ट को ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। ऑमलेट के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस के स्लो फ्लेम पर मैंने ये पैन रखा है। इस पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और पैन को इस तरह घुमाते हुए तेल को स्प्रेड कर लेते हैं। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया है उसमें से 1 चम्मच जितना मिक्सचर हम पैन में रखेंगे। अब पैन की दूसरी तरफ भी 1 चम्मच जितना मिक्सचर रख लेते हैं। इस तरह हम एक साथ 3 मिनी ऑमलेट बनाएंगे। अब ऑमलेट को हम ढककर पकाएंगे, जिससे हमने जो वेजिटेबल्स मिलाए हैं उन्हें पकने में आसानी होगी। गैस की फ्लेम को स्लो रखकर ही हमें ऑमलेट को पकाना है। बस 1 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और ऑमलेट को पलट लेंगे। देखिए, ऑमलेट कैसा क्रिस्पी नजर आ रहा है। बस इसी तरह हमें ऑमलेट को एक तरफ से सुनहरे रंग का होने तक पकाना है। अब फिर से ढककर दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट हो गई है और ऑमलेट तैयार है, तो ढक्कन हटाकर ऑमलेट को प्लेट में निकाल लेते हैं। ये ऑमलेट दूसरी तरफ से सुनहरे रंग का नहीं होगा, बस इसी तरह व्हाइट रंग का दिखाई देगा और हमें इसे दूसरी तरफ से ऐसा ही रखना है, क्योंकि ज्यादा पकाने जाएंगे तो ऑमलेट जल जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरे ऑमलेट भी बना लेते हैं। इस ऑमलेट को आप सुबह या शाम के नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन के लिए ब्रेड पर बटर या टोमेटो सॉस लगाकर ऑमलेट को 2 ब्रेड के बीच रखकर ऑमलेट सैंडविच बनाकर भी दे सकते हैं। ऐसा होता है कि ऑमलेट टिफिन में बिल्कुल नरम पड़ जाता है, पर इसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया है जिसकी वजह से ये लंबे समय तक नरम नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस तरह से मिनी ऑमलेट जरूर बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।